तो जय हिंद दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं और स्वागत कर रहा हूं आपका इस आगरा मेट्रो ताजमहल मेट्रो स्टेशन से। और आज दोस्तों यहां से जो है पब्लिक के लिए मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, तो आज मेट्रो की राइड करते हैं और मन कामेश्वर जो है स्टेशन वहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे अपनी। फ़िलहाल अभी हम एकदम ताजमहल के गेट के पास खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल जस्ट बगल में ताजमहल का गेट है, पूर्वी गेट है, और गेट से निकलते ही आपको यहाँ पे ताजमहल मेट्रो स्टेशन मिलेगा जो कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। सामने जो है ताजमहल का जो है एंट्री गेट है, पूर्वी गेट है, यहाँ से आप लोग ताजमहल भी जा सकते हो। तो बिल्कुल आप जैसे वहाँ गेट से निकलोगे, आपको बिल्कुल गेट से निकलते ही सामने मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये मेट्रो स्टेशन हो गया और ये जो है ताजमहल का गेट हो गया। और अभी हम लोग जो है इससे पहले हम लोग जो है ताजमहल मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे, वहाँ पे हम पहुँचे थे, तो वहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो बनाए थे, वो आप लोग देख लीजिए। इस तरह से वहाँ पे एंट्री है, वो बिल्कुल जो ताजमहल है ताजमहल के गेट के पास ही वो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन से अभी मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होगी और ताज पूर्वी गेट मतलब लास्ट स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी। तो आज जो है मेट्रो की जर्नी करेंगे, एंड टू एंड जर्नी करेंगे, मन कामेश्वर से लास्ट पूरा जो भी स्टेशन रहेगा वहाँ तक पूरा जर्नी करेंगे आज। तो ये अपना स्टेशन है, यहीं से आज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मन कामेश्वर मेट्रो। इसको पहले जो है जामा मस्जिद करके इसका नाम था, तो योगी जी ने उसका नाम चेंज करके मन कामेश्वर मेट्रो इसका नाम जो है रखा गया था। तो अंदर चलते हैं, अंदर से एंट्री लेते हैं। आई एम फाइन, हाउ आर यू? जर्नी करके आए? बहुत अच्छा गया सर, बिल्कुल मजा आया भाई जर्नी करके। पेपर देके आ रहे हो कि जर्नी करके आ रहे हो? अरे पेपर भी देके आ रहे हैं, पेपर के बाद एंजॉय करके आ रहे हैं। हमारा पेपर दिया। चलो भाई, कैसा लगा मेट्रो के बारे में बोलिए जरा। मेट्रो का बहुत बढ़िया लगा हमें, नीचे का नजारा इतना सुंदर है। मेट्रो में सफर नहीं किया है। अच्छा, पहली बार है आगरा मेट्रो में? मजा आया, मतलब अच्छा लगा। और क्या मतलब अच्छा लगा आपको मेट्रो में? हमें मेट्रो का बहुत गार्डन हो रही है, खास करके इसकी लिफ्ट हमें बहुत अच्छी लगी है। लिफ्ट में बाहर उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे और ये जो है मन कामेश्वर मेट्रो जो है अंडरग्राउंड रहने वाला है, तो अंडरग्राउंड है फिलहाल। यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, लिफ्ट वगैरह भी है, ये सामने देख सकते हो लिफ्ट भी लगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह मिलेंगे। अभी देखिए फ्लावर वगैरह फूल वगैरह सजा हुआ है, तो नीचे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको एस्केलेटर्स ये यूज़ करिएगा। और देख सकते हो यहाँ पे भी फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, पूरा फूल वगैरह लगा हुआ है ना। तो भाई चलते हैं नीचे और नीचे से लेते हैं टोकन और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आगरा मेट्रो की, ठीक है? मन कामेश्वर से ताज का पूर्वी गेट, मतलब एंड टू एंड जर्नी आज आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो भाई, लिफ्ट के माध्यम से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए भाई, अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। देख सकते हो भाई कितना ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन है ये। इधर देखिए पेंटिंग वगैरह लगी हुई है। भाई यहाँ पे देख सकते हो आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे हैं मन कामेश्वर, ये मन कामेश्वर स्टेशन है। यहाँ से आगरा फोर्ट, ये ताजमहल स्टेशन, फतेहाबाद और ताज ईस्ट गेट, मतलब ये लास्ट स्टेशन रहेगा। यहाँ तक अभी अपनी पूरी एंट्री करेंगे, ठीक है? एक दे दीजिए लास्ट का, एंड टू एंड पूरा। हाँ 20 का ना। तो भाई यहाँ से हम ले रहे हैं अपना मेट्रो का टिकट जो कि लास्ट है, देख सकते हो वहाँ पे ताज ईस्ट, ये वाला लास्ट स्टॉपेज है, ठीक है? ये हमारा देखिए टोकन, ये हमने टोकन ले लिया है। अभी मन कामेश्वर से ताज ईस्ट तक 20 रुपये का ये टोकन पड़ा है हमें, ठीक है? मैक्सिमम किराया 20 रुपये ही है। ताज अभी मन कामेश्वर से ताज ईस्ट तक जाने वाले हैं, तो इस तरह का स्कैनर है, इसको लगा के गेट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये टोकन है, इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगाना है। देखिए इस तरह से ऐसे लगाया, गेट खुल गया, ठीक है? तो इस तरह से अंदर एंट्री लेनी होती है। अभी यहाँ से हमने सुरक्षा जाँच वगैरह करा के यहाँ पर आपका बैग वगैरह स्कैन होगा, उसके बाद आपको ये टोकन है, ये स्कैनर है, उसमें लगाना होगा। जैसे आप लगाओगे गेट खुल जाएगा, ठीक है? गेट खुलने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कितना भव्य पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पे जो ये डांस होता है राजस्थान वाला, वो यहाँ पे शायद दिखाया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत हूँ तो भाई बता देना, है ना? और बाकी यहाँ पे देख सकते हो मोर पंख, यहाँ पे मोर का पेंटिंग बना हुआ है, कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, है ना? काफ़ी अच्छा पेंटिंग बनाया है। तो पूरे स्टेशन को एकदम भव्य तरीके से सजाया है और पेंटिंग वगैरह करके स्टेशन बनाया गया है। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, है ना? वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, पीने का पानी वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे स्टेशन पे मिलेगा। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, नीचे से अपनी मेट्रो पकड़ते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड रहने वाली है यहाँ से। और सामने ये है, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का टॉयलेट मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडीकैप मतलब दिव्यांग जिनका भी शौचालय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इधर देख सकते हो भाई, इधर भी काफ़ी अच्छा पेंटिंग किया हुआ है। यहाँ पे गंगा आरती दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए गंगा आरती जो हो रही है उसका यहाँ पे पेंटिंग बनाया गया है।
तो सामने अपनी मेट्रो आ रही है वन कामेश्वर रेलवे स्टेशन पे, ये आ चुकी है अपनी आगरा मेट्रो। ये है वन कामेश्वर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी मेट्रो आपको नज़र आ रही होगी और अंदर जो है काफ़ी फूल वगैरह सजा हुआ है, तो अभी चल के आपको दिखाते हैं। तो भाई अपनी मेट्रो आ चुकी है वन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन पे और अभी ये गेट ओपन होंगे और आज आपको जो है वन कामेश्वर से पूरा एकदम लास्ट एंड टू एंड जर्नी दिखाएंगे, जो ये 6 किलोमीटर का पूरा जो रूट स्टार्ट हुआ है पूरी जर्नी दिखाएंगे। ये देखिए गेट यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और पब्लिक यहाँ पे ट्रेन से बाहर आ रही है और अभी हम अंदर चल के एंट्री करते हैं और पूरा जर्नी करेंगे। सर जर्नी कर लिए, कैसा कैसा लगा थोड़ा बताइए? बहुत मज़ेदार, बढ़िया रहा। क्या कहेंगे मतलब सरकार बहुत कामयाब है, कामयाब रहेगी। लॉन्ग रूट पे हो जाएगी तो ज्यादा कामयाब, पूरा जब स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ज्यादा कामयाब। कहाँ से कहाँ तक जर्नी की आपने? मैंने लास्ट पॉइंट तक, लास्ट ताज ईस्ट से यहाँ तक आए हैं। चलिए कितने का टिकट पड़ा आपको? 20 रुपीज़, वेरी चीप, बहुत चीप है ना। चलिए सर थैंक यू, थैंक यू। तो भाई अंदर एंट्री लेते हैं अपनी मेट्रो में और देख सकते हो अभी भी यहाँ पे फ्लावर वगैरह फूल वगैरह एकदम सजा हुआ है ना, देख सकते हो यहाँ पे पूरी मेट्रो को कल जो है सजाया गया था और भाई लोग यहाँ पे यात्रा करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट राइड करने जा रहे हो ना? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, देख सकते हो आप लोग आए हुए आज पहले दिन की यात्रा करने के लिए और कल जो है इसी में जो है योगी जी बैठ के गए थे, कल योगी जी इसी मेट्रो में गए थे इसीलिए देखो पूरा सजा हुआ है। ये देखिए गेट क्लोज हो चुका है और अपनी मेट्रो बस यहाँ से डिपार्ट करने वाली है मन कामेश्वर स्टेशन से, तो ट्रेन अपनी निकलती हुई मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन से देख सकते हो भाई ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है ना। नेक्स्ट स्टेशन इज आगरा फोर्ट। तो अभी हम लोग यहाँ से चले हैं मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन से, अब आगरा फोर्ट पे रुकेगी, उसके बाद ताजमहल फतेहाबाद रोड होते हुए ये जाएगी आगरा फोर्ट तक जाएगी, ठीक है। तो भाई मेट्रो अपनी एकदम फूलों से सजी हुई है आगरा मेट्रो और मन कामेश्वर से हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप बैठने के लिए यहाँ पे हैंडीकैप जो विकलांग यहाँ पे देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए सीट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोबाइल भी चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। फिलहाल स्टेशन आ चुका है आपको दिखा देते हैं और यहाँ पे भी हैंडीकैप के लिए मतलब दिव्यांगजन के बैठने के लिए सीट है और ये आज आगरा फोर्ट स्टेशन आया है और गेट ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, देख सकते हो भाई ये आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन है, नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ का, देख सकते हो। ये देखिए गेट क्लोज हो चुका है, अरे गेट क्लोज हो गया है, ये आगरा किला आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन था। देखिए पकड़ने के लिए भी यहाँ पे ताजमहल स्टेशन आने जा रहा है भाई, ताजमहल। तो भाई ताजमहल जाना हो तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हो, 15 रुपये किराया है केवल मन कामेश्वर से, है ना। बाकी पूरा CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी देखिए भाई कितना ज़बरदस्त सजाया है भाई, इधर देख सकते हो ये देखिए भाई पूरा एकदम फ्लावर से फूल पत्तियों से सजी हुई है अपनी मेट्रो, क्योंकि आज ही जो है स्टार्ट हुई है पब्लिक के लिए, कल इनॉग्रेशन हुआ था इसका, है ना। ये देखिए भाई यहाँ पे लोग यात्रा कर रहे हैं, आज पहला दिन यात्रा कर रहे हैं। आज ही आज कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आगरा में मेट्रो आ गई है ना, अभी पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा ना, और काफ़ी चीप है, टिकट भी सही है ना। ताजमहल स्टेशन आने जा रहा है, आपको दिखाते हैं अभी, अभी जो है हम ताजमहल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो ये आ गया अपना ताजमहल मेट्रो स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है, ठीक है। ये आ गया अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ताजमहल और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है आज डे वन की जर्नी करने के लिए और अभी गेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन होंगे, ये देखिए गेट खुल चुका है ना, ये ताजमहल मेट्रो स्टेशन पे गेट ओपन हो चुका है। आइए ये है ताजमहल मेट्रो स्टेशन, सामने देखिए मेट्रो जा रही है वन कामेश्वर की ओर, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और ये पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होने वाला है, देख सकते हो ये अपनी मेट्रो खड़ी हुई है, पूरा स्टेशन आपको नज़र आ रहा है। देखिए हैरान हो चुका है अपनी ट्रेन, अब गेट ऑटोमेटिक बंद होगा अभी, देख सकते हो आप, ये देखिए ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर गेट क्लोज होने जा रहा है, ये देखिए गेट क्लोज हो गया, गेट बंद। अब जो है अगला स्टेशन आएगा कौन सा आएगा? फतेहाबाद रोड आएगा। तो भाई ट्रेन अपनी डिपार्ट करती हुई ताजमहल मेट्रो स्टेशन से, और भाई देख सकते हो अपनी मेट्रो जो है अब ऊपर आ चुकी है, अभी तक अंडरग्राउंड चल रही थी, है ना, अब ऊपर आ चुकी है मेट्रो और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।
और फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन आएगा जो कि ऊपर रहेगा। अभी तक जो है मेट्रो जो तीन स्टेशन पड़े हैं वो नीचे थे, मनकामेश्वर और आगरा फोर्ट और ये ताजमहल, ये तीनों अंडरग्राउंड थे और अभी हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं। और ये देखिए आगे जो है यहाँ से रूट स्टार्ट होगा, इसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है, कुछ दिनों के बाद जो है ये रूट भी जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, वो देखिए सामने ताजमहल नज़र आ रहा होगा, है ना। ये आ गया भाई अपना स्टेशन फतेहाबाद रोड, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन जो कि ऊपर रहने वाला है ना। और अब जो है गेट ऑटोमेटिक खुलेगा, अभी लखनऊ गेट खुल गया है भाई, तो देख सकते हो पब्लिक यहाँ से उतरती हुई। बाय बाय बाय, ये भाई गेट खुल गया है और ये फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन है जो कि ऊपर रहने वाला है, देख सकते हो पूरा स्टेशन। कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये हो चुका है गेट क्लोज, ये गेट क्लोज हो गया भाई। तो भाई अपनी मेट्रो अब यहाँ से फतेहाबाद से डिपार्ट करने जा रही है और अगले स्टेशन पे रुकेगी, और ये स्टेशन ऊपर है, है ना। देखिए ट्रेन अपनी डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ से जो है अभी ताजमहल भी दिखा हमें, ताजमहल भी देख सकते हो। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन है, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन। अब हम लोग सीधे वहीं पे रुकेंगे। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। जबरदस्त है, यात्रियों से अनुरोध है काफी सही। सामने से मेट्रो आ रही देख सकते हो भाई, ये देखिए मेट्रो आपको देखेगी सामने से आती हुई, ये देख सकते हो आप, ये रही मेट्रो, अपनी मेट्रो का क्रॉस हुआ यहाँ पे, चली गई भाई, गजब है ना। और भाई आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे, है ना, और यहाँ पे आपको सारे स्टेशन की जानकारी मिलती रहेगी। फ़ोन चार्ज करने के लिए आप यूएसबी केबल के थ्रू आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पे। और अगर भीड़ होती है तो आप इसको पकड़ के भी यात्रा कर सकते हो, है ना। और हमारा जो है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, ये आ चुका है स्टेशन अपना, ये आ चुका है ऊपर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन। इसके बाद ताज ईस्ट मतलब रहेगा लास्ट जो पे, और ये देखिए बाय बाय। अच्छा आप भी आगे फिर से, तो भाई ये देखिए स्टेशन आ चुका है स्टेशन। बैकपैकर गौरव, तो भाई गेट बंद हो गया, ये ऑटोमेटिक गेट क्लोज। अब जो है लास्ट स्टेशन लास्ट स्टॉपेज आएगा ताज ईस्ट गेट, और वहीं पे ये ट्रेन जो है टर्मिनेट हो जाएगी, लास्ट स्टॉपेज है वो। तो देखिए अब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है, ताज ईस्ट गेट, अब आएगा ताज ईस्ट गेट, ताज पूर्वी गेट, ट्रेन अपनी डिपार्ट करती हुई। प्लीज डू नॉट लीन ऑन द डोर, सामने होटल रेडिसन दिख रहा है, कृपया दरवाजों पर झुके नहीं। रेडिसन दाएं ओर खुली, ये आ गया अपना लास्ट स्टॉप, आगे नहीं जाएगी, हम आएंगे नहीं आएंगे इसके अंदर, आओगे ना, अगर आए होगे तो आओगे। तो ये भाई आ गए हैं आखिरी स्टेशन, और यहीं तक ये ट्रेन जाने वाली है, ये लास्ट स्टॉपेज है, और यहाँ से अभी वापस ट्रेन मनकामेश्वर की ओर चली जाएगी। भाई हम लोग आ चुके हैं लास्ट स्टॉपेज पे, ये ताज ईस्ट गेट है, और यहाँ पे हमने जो है मेट्रो से बाहर आ गए हैं, और मज़ा आ गया भाई जर्नी करके। आज मेट्रो की फर्स्ट डे जर्नी बहुत अच्छी रही, और यहाँ पे एक लोग हैं जर्नी के हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो भाई अपनी मेट्रो फिलहाल यहाँ से जाती हुई, और ये सर जी हैं, सरदार जी हैं, आज मेट्रो में सफर किए, कहाँ से कहाँ तक आए आप? माया जी मनकामेश्वर से ताज ईस्ट गेट, मनकामेश्वर तक यहाँ लास्ट तक आए केवल घूमने के लिए? बिल्कुल घूमने। अच्छा, इसको घुमाने के लिए आए, बच्चे को घुमाने आए, इनकी फरमाइश थी, फरमाइश पूरी। अच्छा, फरमाइश पूरी होगी। अच्छा लगा मेट्रो? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छी है मेट्रो? अच्छा कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है। जर्नी जो है बहुत ज़बरदस्त रही, और मेट्रो को जो है साफ सुथरा सुथरा रखना आगरा वालों की जो है ना, बहुत ही अच्छी मेट्रो बनाई गई है जी, और इसको हमें बिल्कुल मेंटेन करके चलना चाहिए। सही बात है, और मेट्रो को साफ़ सुथरा करके रखना है, आपको गंदगी नहीं करनी है। जैसे जैसे स्टेशन बढ़ेंगे इसका लोग और भी ज़्यादा और बढ़ेगा, और अभी जो पूरा अभी फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी चीप है ना, किराया भी ज़्यादा किराया, दस रुपये 20 रुपये बिल्कुल ठीक किराया, मैक्सिमम 20 रुपये किराया है, 10 रुपये 15 रुपये तो सही है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है ना। अभी तो चॉकलेट भी खिला रहे हैं आप, आए तो आना, चॉकलेट भी खिला रहे हैं आसपास, चॉकलेट भी खिला रहे हैं। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका। अपनी मेट्रो यहाँ से चली गई वापस मनकामेश्वर की ओर, और हमने इस मेट्रो को यहीं पे
एंड कर दिया है, मतलब यहीं तक हमने जर्नी की है क्योंकि मन कामेश्वर से यहीं तक अभी ये ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।